गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. येस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू स्विच ऑन कंप्यूटर. लेसन 3. ओके, तो हमने कल ये पढ़ा था कि कंप्यूटर को हम 4 स्टेप्स में ऑन करते हैं. फर्स्ट स्टेप, स्विच ऑन मेन पावर सप्लाई बटन. स्विच ऑन. सेकेंड स्टेप, स्विच ऑन UPS बटन. स्टेप 3, स्विच ऑन CPU बटन. स्टेप 4, स्विच ऑन मॉनिटर बटन. ओके, टुडे वी विल रीड अबाउट डेस्कटॉप. डेस्कटॉप, व्हाट इज डेस्कटॉप? बेटा जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, अभी आपने कंप्यूटर को ऑन करना सीखा, तो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, स्टार्टअप होता है. उसके बाद जो स्क्रीन आती है, जहाँ स्टार्ट बटन भी आता है और ये आइकन्स आते हैं, उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं. तो फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. विंडो इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स नोन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो मेक्स द कंप्यूटर वर्क. Once the computer is switched on, you get the first display screen known as desktop. Like this. जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ऑन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, इस तरह से शो होती है ना, तो इस वाली स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप. क्या बोलते हैं हम? डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे ही स्टार्ट बटन होता है, जहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं. और इस स्क्रीन पे ही हमें आइकन्स, फोल्डर्स डिस्प्ले होते हैं, जिनके अंदर प्रोग्राम्स या फिर हमारी फाइल्स होती हैं, जो कि हम ओपन कर सकते हैं. क्या, तो अब आपको पता चला व्हाट इज डेस्कटॉप? द फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले ऑन मॉनिटर आफ्टर स्टार्टिंग द या आफ्टर स्विच ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. डेस्कटॉप होल्ड मैनी स्मॉल पिक्चर्स नोन एज आइकन्स. जब आप डेस्कटॉप स्क्रीन देखते हो, तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सी स्मॉल पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं. इन पिक्चर्स को ही आइकन्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? आइकन्स. तो स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स. स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स. ओके, द थिन बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार. देखो बेटा, जब हम डेस्कटॉप स्क्रीन देखते हैं, तो सबसे नीचे एक बार आ रही होती है, सबसे एक नीचे एक लाइन आ रही होती है, जहाँ पे जिसके लेफ्ट साइड में हमें स्टार्ट बटन दिखाई देता है और कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं, और राइट साइड में डेट एंड टाइम ये और कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं. इस वाली बार को हम टास्क बार बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? टास्क बार. लाइक दिस. ओके, दिस इज टास्क बार. टास्क बार के लेफ्ट साइड में हमें ये इस तरह का स्टार्ट बटन दिखाई देता है. जब हमें कोई भी प्रोग्राम ओपन करना होता है, जैसे आप पेंट ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कौन से बटन पे क्लिक करना होता है? स्टार्ट बटन पे. ठीक है, स्टार्ट बटन इज एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द टास्क बार. नेक्स्ट इज, चिल्ड्रन यू कैन सी डिफरेंट व्यूज थ्रू योर हाउस विंडो. इन द सेम वे यू कैन व्यू मैनी प्रोग्राम्स इन विंडोज लाइक पेंट, मूवीज, म्यूजिक एंड गेम्स. जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमें बहुत से प्रोग्राम डिस्प्ले होते हैं, उनमें से जो भी हम ओपन करना चाहते हैं, जैसे आप ड्राइंग करने के लिए पेंट ओपन करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, या कोई म्यूज़िक प्लेयर चलाना चाहते हो, तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद उसको प्ले कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. ओके, अब ये तो हो गया. सबसे पहले हमने कंप्यूटर को स्विच ऑन करना सीखा. स्विच ऑन होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं. डेस्कटॉप पे जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, उनको हम आइकन्स बोलते हैं. और डेस्कटॉप के बॉटम में सबसे नीचे जो एक बार होती है, जहाँ स्टार्ट बटन, डेट एंड टाइम आते हैं, उसको हम टास्क बार बोलते हैं.
ओके, स्टार्ट बटन लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे टास्क बार के। तो इसके बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो कंप्यूटर को शट डाउन करना ज़रूरी होता है, कंप्यूटर को बंद करना ज़रूरी होता है। अगर हम डायरेक्ट ही उसको मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप काम करने के बाद कंप्यूटर को बंद करना चाहें तो उसको प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए, अदरवाइज़ ये कंप्यूटर में विंडोज़ में प्रॉब्लम आ जाती हैं और फिर वो सही से वर्क नहीं कर पाता। तो आज हम ये सीखेंगे हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर, हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर। जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हमें अपनी फाइल सेव करनी है तो सेव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टेप वन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन लाइक दिस। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो शट डाउन बटन दिखाई देगा, हमें शट डाउन बटन पे क्लिक करना है। और स्टेप थ्री, फिर थोड़ी देर वेट करनी है, वो प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद जब ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है तो इसका मतलब अब हमारा कंप्यूटर जो सीपीयू है वो वर्क करना बंद कर चुका है। फिर हम स्विच ऑन ऑफ मॉनिटर, फिर उसके बाद हम स्विच ऑफ मॉनिटर, मतलब मॉनिटर का जो बटन हमने सबसे लास्ट में ऑन किया था ना, वो सबसे पहले ऑफ करेंगे। फिर स्विच ऑन द UPS बटन और लास्ट में स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन। ठीक है, लास्ट में जो हमने सबसे पहले ऑन किया था तो मेन पावर सप्लाई बटन ऑन किया था, और जब हम ऑफ करेंगे तो सबसे लास्ट में मेन पावर सप्लाई बटन को ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स भी आपको फॉलो करने हैं। आप कंप्यूटर को ऑन कीजिए, फिर उस पर उसको वर्क कीजिए, उसकी स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन देखिए, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन। ठीक है, और उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद आप उसको शट डाउन करके देखिए और लेसन भी रीड कीजिए। ओके, थैंक यू।